हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल और मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोगों ने डिमांड करा है, इसलिए ये वीडियो आ रहा है। वरना अभी तक तो मैं अपनी तरफ से वीडियो आपको दे रहा था, पसंद कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, पर इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मतलब मेरा जो सॉन्ग है तुम सा कोई प्यारा, जो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिनने नहीं सुना, और जो लोग अपनी पसंद से ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने तो डेफिनेटली ये सॉन्ग को सुन लिया है। तो अब हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं और सीधे गिटार की ट्यून पे आते हैं कि कैसे ये गाना बजेगा। ठीक है, तो गाने की शुरुआत होती है फिफ्थ स्ट्रिंग से, ठीक, सॉरी फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग से। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, बहुत चिड़ आती है स्ट्रिंग 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 बोलना। ठीक है, तो ये तो आप देखो मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो ये जो फिफ्थ स्ट्रिंग है, सॉरी यार फिर से, जो फिफ्थ फ्रेट है फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग से गाना शुरू होता है। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम प्ले करते हैं एक बार। तो गाना जो शुरुआत होता है फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, थैंक गॉड मैंने सही से बोला। ठीक है, तो फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग से हम शुरू करते हैं और फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही अभी हम बजाएंगे। तो मैं सिर्फ फ्रेट के नाम लूँगा अभी, ठीक है, कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब स्ट्रिंग्स चेंज होगी तो मैं स्ट्रिंग के नाम भी लूँगा। तो फिफ्थ फ्रेट और फिर सीधे आ जाओ आप एट्थ फ्रेट पे, और फिर सेवन्थ फ्रेट, फिर एट्थ फ्रेट, फिर सेवन्थ फ्रेट, फिर एट्थ फ्रेट। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे बज रहा है? ठीक है, ये इस तरीके से वापस हमने गाना को एंड फिफ्थ पे करा। ठीक है, फिफ्थ से शुरुआत करा और फिफ्थ में एंड करा। गाना एंड नहीं करा है, गाने का एक पार्ट हमने एंड करा है, शुरुआती पार्ट। तो ये कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। ठीक है, और फिर ऊपर वाली स्ट्रिंग पे आ जाओ आप सेकंड स्ट्रिंग पे। ठीक है, घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ कैसे करा मैंने। ये हमारा फ्रेट हो गया, ठीक है, एट्थ फ्रेट पे हम कर रहे हैं। एट्थ फ्रेट पे पिंकी फिंगर से मैं सेकंड स्ट्रिंग पे बजा रहा हूँ, दो बार हिट करा। अब ये जो हमारा सिक्स्थ फ्रेट है, ये हमारा फिफ्थ फ्रेट है, सेकंड स्ट्रिंग पे ही चल रहा है। और अब थर्ड स्ट्रिंग पे आ जाओ सेवन्थ फ्रेट पे। ठीक है, ये गाने को एंड करेंगे यहाँ, ठीक है, सेवन्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे। तो कैसा सुनाई देगा? ठीक है, तो ये एक पार्ट खत्म हो गया। मैं गाने को थोड़ा, मतलब वीडियो को थोड़ा फास्ट रख रहा हूँ ताकि बोरियत भी ना हो आपको। ठीक है, मैं बार बार बताऊंगा तो आपको ही बोरियत हो जाएगी। और फिर वापस हमें आना सेकंड फ्रेट पे, सॉरी सेकंड स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट पे। ये हमें अब स्लाइड करना होगा। स्लाइड हम स्लाइड कहाँ तक करेंगे? एट्थ फ्रेट तक स्लाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग पे फिफ्थ से शुरू करेंगे और एट्थ फ्रेट तक स्लाइड करेंगे। ठीक है, और जो आगे का गाना बजेगा, मतलब ये प्ले कर देता हूँ कि कैसे बजने कैसे वाला है। सॉरी, ठीक है, अच्छा लगा तो हम बजाते हैं वापस से। कैसे करा मैंने? सेवन्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग को पकड़ो, ठीक है, तुम, वो जो गाना चलता है तुम जान हो मेरी, ठीक है, तो यहां पर सेवन्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को स्लाइड करते हुए आओ, और कहां तक आओगे? एट्थ फ्रेट तक आओ। फिर एट्थ फ्रेट के बाद आपको दसवें फ्रेट पे हिट करना है, दसवें के बाद बारहवें फ्रेट पे हिट करना है, देन फिर वापस से दसवें पे आ जाओ, सॉरी आठवें पे आ जाओ, फिर दसवां, फिर बारहवा। ठीक है, तो ये मैं पूरा एकदम से, मतलब रोटी बिल्कुल परोस के आपको बिल्कुल मुंह तक निवाला नहीं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कानों को भी थोड़ा सा ट्रेन करें कि अगर कोई गाना यहाँ बज रहा है तो मैं चाहता हूँ आप अपने कानों से सुने और उससे बजाएं कि एक्चुअल में कैसे बज रहा है। आपको गलत नोट समझ में आना चाहिए कि नहीं ये गाना मैच नहीं हो रहा है। तो ये कैसे बजेगा?
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गाना फिनिश हो जाता है, टोटली फिनिश हो जाता है, बच जाती है जो सिग्नेचर लाइन बजती है हमारी, ठीक है, सिग्नेचर लाइन बजती है। तो वो सिग्नेचर लाइन कैसे बजेगी, वो हमें करना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन कैसे करना है, फिफ्थ स्ट्रिंग, आपको फिफ्थ फ्रेट पे आना है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही सारा काम है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही हम पूरा गाना, ये मतलब ये वाला सिग्नेचर ट्यून इसकी प्ले करेंगे गाने की। तो फिफ्थ स्ट्रिंग, अब ये ऐसे नहीं प्ले करना है, ये ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे नहीं प्ले करना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसको स्ट्रिंग पे म्यूट, मतलब इस जो ऐसे रख के दबा रहे हैं आप, जैसे इस चीज को देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रिंग को दबा के रखा है। अब थोड़ी सी उंगली हल्की सी उठाई तो ये स्ट्रिंग का साउंड ऐसा हो जाता है। तो आपको ये इफेक्ट देना है, टैनक टैनक, ठीक है। थोड़ा सा फनी हो सकता है पर अच्छा मजा आ रहा है सीखने में। तो इसको कैसे करना है, वन टू म्यूट, वन टू म्यूट, वन टू म्यूट। तो ठीक है, तो फिफ्थ पे पहले तो ये करो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपको सेवंथ पे, फिर एट्थ पे, फिर सेवंथ पे, फिर फिफ्थ, फिर यहां पर अब आप आ जाइए सेकंड स्ट्रिंग पे, एट्थ फ्रेट पे, तो ये कैसे बज रहा है। तो जो सेकंड पे आपको एट्थ फ्रेट प्ले करना है, फिर आपको सेवंथ पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना है, सेवंथ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना है, और फिर फिफ्थ पे आ जाना है फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बजेगा, स्लो में देगा, तो ये गाना पूरा इस तरीके से सुनाई देगा आपको। फिर यहां पर आपको, ठीक है, तो होप आपको ये लेसन जो है पसंद आया होगा। तो आपकी अगर ऐसी ही डिमांड आती रही तो मैं उस डिमांड पे लेसन बनाते रहूँगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लेसन में मज़ा आया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।